हेलो टेलेस, कैसे आप सब लोग दोस्तों। आज का वीडियो कंपैरिजन वीडियो होने वाला है होटल जॉब्स वर्सेस क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के बीच में, कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है, किस में जॉब स्कोप अच्छा रहता है, किस में सैलरी अच्छी रहती है दोस्तों, कौन सा फील्ड आपको चूज़ करना चाहिए, किस बेसिस के हिसाब से। तो दोनों का डिफरेंस बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट मैं कवर करने वाला हूँ, और लास्ट में मैं आपको एक बोनस बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। अब इसमें पहला आता है दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आप हमेशा ध्यान में रखिए, होटल में जॉब्स करने के लिए आपको होटल मैनेजमेंट की डिग्री ज़रूरी रहती है। अगर आपके पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री है ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि इसमें आपका प्रमोशन बहुत फास्ट होता है। क्योंकि अगर आप होटल मैनेजमेंट पास आउट रहोगे तो आपको पहले कंसीडर किया जाएगा दूसरे के कंपेयर में। तो आप होटल में जॉब्स करने के लिए हमेशा होटल मैनेजमेंट की डिग्री लेके जाइए, वहाँ पर आपका प्रमोशन बहुत तेज होने वाला है। वहीं आता है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट दोस्तों। तो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में ना कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि अगर आप 12th पास हो, ग्रेजुएशन हो, तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे जॉब लग जाएगा। सिर्फ आपको उसमें ना सेल्स आना चाहिए। अगर आप सेल्स में अच्छे हो दोस्तों और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, तो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में आपको जॉब लग जाएगा। तो दोनों में एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट आता है नॉलेज। तो होटल में जॉब्स करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज रहता है। जैसे आप फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में लोगे, तो आपको अल्कोहल का नॉलेज होना चाहिए, कॉकटेल्स का, मॉकटेल्स का, कितने प्रकार के टेबल सेटअप होते हैं, बुफे क्या होता है, सर्विस कौन कौन सी होती है, ये सब का आपको नॉलेज रहना चाहिए। उसके साथ आपको स्किल्स आना चाहिए, स्किल्स के साथ आपको अच्छा एक कम्युनिकेशन स्किल्स आना चाहिए। हर एक चीज़ मतलब ना होटल में जॉब्स करने के लिए आपको मैंडेटरी रहता है, ज़रूरत रहता है। लेकिन वहीं पर अगर QSR की बात की जाए ना, तो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में आपको एक कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा आना चाहिए, एक सेल्स अच्छा आना चाहिए, बस। उसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा ना दोस्तों, कि दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में आपको ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं रहती यहाँ से, और ज़्यादातर स्किल्स की ज़रूरत नहीं रहती। वहीं होटल जॉब्स में आपको ग्रेजुएशन और बहुत सारे नॉलेज की ज़रूरत रहती है। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों सैलरी। अब होटल जॉब्स की सैलरी कैसे ना, स्टार्टिंग में बहुत कम रहती है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ बढ़ते जाती है, और एक्सपीरियंस के साथ बढ़ता है। प्लस ना दोस्तों, अगर आप होटल चेंज करते रहोगे ना, जैसे आज 4-स्टार में लगे हो, तो 2 साल के बाद आप 5-स्टार प्लस प्रॉपर्टी, अच्छी प्रॉपर्टी में लगे, तो वहाँ आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हाइक करके मिलेगी। और उसी के बाद अगर आप डायरेक्ट फॉरेन चले गए ना दोस्तों, तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है। तो यहाँ से सैलरी होटल मैनेजमेंट में देखा जाए तो स्टार्टिंग में बहुत स्लो रहती है, लेकिन आपको बढ़ती बहुत तेज है। इसमें भी इंसेंटिव होता है, टिप्स होता है, सर्विस चार्जेस मिला के आपको एक अच्छी खासी अमाउंट की सैलरी मिल जाती है। अब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में देखा जाए दोस्तों, तो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में स्टार्टिंग में सैलरी इसमें भी कम रहती है, लेकिन इसकी सैलरी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अगर आप सैलरी कंपैरिजन देखा जाए ना, तो होटल में थोड़ी स्लो बढ़ती है, मतलब ऐसे ग्रेजुअल ग्रोथ होता है, मतलब धीरे 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 ऐसा ग्रोथ होता है। लेकिन वहीं क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में ना, एक दो बार मतलब आपका 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो उसमें अच्छे से बढ़ती है। उसके साथ आपको इंसेंटिव मिलता है, वीकेंड और हॉलीडे पे बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलता है, तो उससे ना इनकी सैलरी ज़्यादा लगती है स्टार्टिंग में। लेकिन होटल मैनेजमेंट की सैलरी दोस्तों एक अच्छी सैलरी रहती है, एक डिसेंट अमाउंट रहता है, जो कि अच्छा होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, चौथा पॉइंट है वो है प्रमोशन। तो होटल जॉब्स में प्रमोशन आपको पता है कि अगर फूड एंड बेवरेज में हो, तो आपको 2 साल स्टीवर्ड घसना पड़ेगा, उसके बाद आपको सीनियर स्टीवर्ड मिलेगा, फिर कैप्टन मिलेगा। तो इसमें प्रमोशन ग्रोथ थोड़ा स्लो रहता है, लेकिन वहीं इसमें प्रमोशन थोड़ा फास्ट रहता है। आपको अच्छा से अगर अच्छे हो, आपका हर एक चीज़ QSR में अच्छा है, आपके सर्विस, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका बिहेवियर, हर एक चीज़, तो वहाँ पे आपको ग्रोथ दे देते हैं। लेकिन कैसा है ना कि QSR रहते हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट रहते हैं, तो उसका ज़्यादा बेस नहीं बनता होटल के कंपेयर में। तो यहाँ पे प्रमोशन स्लो होता है, लेकिन होटल में एकदम मजबूत रहता है, कि आपका कहीं भी रिज्यूमे शो करोगे ना, तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, ना कि QSR वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। पाँचवा पॉइंट आता है दोस्तों जॉब अपॉर्चुनिटी। तो होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपके लिए बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं, मतलब आप कहीं भी कर सकते हो ना, कैटरिंग में जॉब कर सकते हो, कोई बड़ी ODC मतलब आउटडोर कैटरिंग
कैटरिंग की कंपनी है, फूड कैटरिंग है, तो उसमें जॉब कर सकते हो, होटल्स में कर सकते हो, रेस्टोरेंट में कर सकते हो, फाइन डाइन रेस्टोरेंट में कर सकते हो, कहीं पब में कर सकते हो, बहुत जगह पे कर सकते हो। लेकिन वहीं QSR वाले को ना दोस्तों सिर्फ क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में जॉब करने को मिलता है, उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा नहीं रहती है, उनको सिर्फ जॉब करने के लिए सेल्स का नॉलेज चाहिए रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं दोस्तों। थोड़ा सा सेल्स का नॉलेज आ गया तो उनको जॉब QSR में मिल जाती है। लेकिन आप एक HM पास आउट हो ना तो आप हर एक जगह जॉब कर सकते हो। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखा जाए ना दोस्तों तो होटल मैनेजमेंट वाले को बहुत ज़्यादा मिलती है और QSR वाले को बहुत कम रहता है। अब आता है दोस्तों बोनस टिप। तो बोनस टिप मेरा यही है ना कि अगर आप QSR के पेमेंट और ये सब देख के जाओगे ना दोस्तों तो QSR में नहीं जाना चाहिए। विदाउट HM हो तो आप जा सकते हो, क्योंकि अगर आपका कोई फैमिली कंडीशन अच्छा नहीं है तो वहाँ पे जॉब कर सकते हो। लेकिन अगर आप HM पास आउट करके QSR में दोस्तों अप्लाई करोगे ना तो आपको डायरेक्ट मैनेजेरियल पोस्ट दिया जाता है, मतलब जितने भी QSR रहेंगे बंदे ना उनके मैनेजर आप बनोगे। तो ये होटल मैनेजमेंट का फ़ायदा होता है। वहीं QSR में दोस्तों आपको उतना लेवल अप नहीं मिलता है। लेवल अप मतलब अगर आपको 10 साल घसोगे तो जाके आपको कोई अच्छी एकदम अच्छी पोस्ट मिलेगी। वहीं होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपको 2-3 साल के बाद एक अच्छी पोस्ट आपको क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में मिल जाएगी। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि दोस्तों डिफरेंस दोनों में क्या क्या है। तो उम्मीद करूँगा कि मैंने आपको दोनों चीज़ बहुत ही अच्छे से समझाया होगा और आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और साथ बने रहें दोस्तों। बाय।